नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदौरी मनोरंजन पर। और आज हम जाने वाले हैं भैरवकुंड, जो कि इंदौर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर है, जिसकी लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं। सूरत हाल ऐसा है कि यहाँ से अब हमको ट्रैकिंग की शुरुआत करनी है और हम आ गए हैं भैरवकुंड। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, पार्किंग हमने यहाँ पर गाड़ियों को कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर उसकी देखरेख करेंगे। अब यहाँ से हमें पैदल ट्रैक करते हुए मेन फॉल तक जाना है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसा है रास्ता, कितना एडवेंचरस होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली अब हम पहाड़ की एक ऐसी ऊंचाई पर आ गए हैं जहाँ से हमें जो मेन स्पॉट है यानी कि भैरवकुंड जो वाटरफॉल है वो दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं हमें वाटरफॉल के वहाँ तक जाना है। अभी थोड़ी सी ट्रैकिंग और बची हुई है, तो यहाँ से अब हम शुरुआत करते हैं और अब आपको नीचे चल करके दिखाते हैं कि कैसा क्या है। और रास्ते में यदि कुछ भी एडवेंचरस हमें दिखता है तो वो हम इस वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। अब हम लोग नीचे आ चुके हैं, काफ़ी थकान हो चुकी है और आप मेरे साथ वालों को भी देख ही सकते हैं कि सारे लोग थक के चूर होकर के बैठ गए हैं। फिर भी हमें अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग आए कहाँ से। तो आप वो ऊपर एक चोटी देख रहे होंगे, वहाँ से हम सीधे खड़ी चढ़ाई उतर के आए हैं। तो अभी फाइनली तो हम आ गए हैं और अभी हमें थोड़ी बहुत थकान है, शायद गर्मी की वजह से एक उमस लग रही है, तो वो एक फीलिंग आ रही है। बट अभी ये फॉल को देख करके और फॉल की जो स्ट्रेंथ है उसे देख करके एक नया जोश आ गया है। अब हमें वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी उत्सुकता हो रही है और एक नई एनर्जी आ गई है। तो अब चलते हैं फॉल की तरफ। फाइनली दोस्तों, अब हम आ गए हैं भैरवकुंड वाटरफॉल, जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। और मैं भी अभी पानी में ही खड़ा हुआ हूँ, लगभग आधा से थोड़ा सा कम डूबा हुआ हूँ। और यहाँ से देख कर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी गहरा भी है पानी। तो आप जब भी यहाँ आए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप गहरे पानी में बिल्कुल ना जाएँ और जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वहीं रह करके आप इन्जॉयमेंट करें। We'll be right back.
तो फाइनली दोस्तों यहाँ कंप्लीट होता है हमारा आज का ब्लॉग। काफ़ी इन्जॉयमेंट हमने यहाँ पर किया है और कुछ विशेष बातें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंत में कि यहाँ पर आप आएँ तो पानी के एकदम किनारे पर ही इन्जॉय करें, पानी में जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें क्योंकि काफ़ी गहराई है पानी की। भले ही आपको स्विमिंग आती हो या नहीं आती हो, आप प्लीज़ किनारे पर रह कर के सेफली इन्जॉयमेंट करें। यहाँ पर आने के लिए मैं आपको कुछ और काम की बातें बता देता हूँ कि आप जब भी यहाँ आएँ तो स्पोर्ट्स शूज़ कैरी करें या फिर आप ट्रैकिंग शूज़ यदि होते हैं तो वो डेफ़िनेटली आप वही पहन करके आएँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और मिट्टी भरी चढ़ाई है, तो इनकेस यदि पानी जैसा कुछ माहौल रहता है तो काफ़ी चिकनाहट हो सकती है, तो आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ शूज़ अच्छी क्वालिटी के और स्पोर्ट्स शूज़ और ट्रैकिंग शूज़ ही कैरी करें। और यहाँ पर आते समय आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप कुछ भी खाने का यदि यहाँ लेकर के आते हैं तो आप कोशिश करें कि आप घर से ही लेकर के आएँ। एक चीज़ मैं आपको विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करके आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आप बिल्कुल यहाँ पर कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें। या आप खाना लेकर के आते हैं तो उसमें जो भी पेपर होता है या फिर आप वेफर्स के जो पन्नियाँ होती हैं तो आप प्लीज़ यहाँ छोड़ करके ना जाएँ, आप उसे साथ लेकर के जाएँ और कहीं भी जो रास्ते में डस्टबिन होते हैं वहाँ पर उसे डाल दें ताकि यहाँ पर गंदगी ना रहे। एक ज़िम्मेदार और एक समझदार नागरिक होने का आप दायित्व निभाएं और कर्तव्य भी निभाएं। तो यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ और यहाँ पर आप आएँ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी इन्जॉयमेंट है और ट्रैकिंग हमने आपको बता दिया तो उस हिसाब से ही आप प्लान करें क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और प्लीज़ सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। तो फाइनली दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।